नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शुरू है। भजन लाल शर्मा जब से राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि राजस्थान के लोग हैरान हैं। जो लोग खबर पढ़ रहे हैं वो भी हैरान हैं। पहले पेपर लीक में स्पेशल टीम का गठन कर दिया, जिससे विरोधी खेमे में हंगामा मच गया। तो अब एक होटल पर रुक कर प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर चाय बनाई, ऐसी कि पूरे राजस्थान में अब उसकी चर्चा हो रही है। पांच राज्यों में हुए चुनाव के बाद राज्य सरकार का गठन हो गया है और सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में काम शुरू कर चुके हैं और अपनी जनता के विकास के बारे में सोच रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे सचिवालय का रुख किया और फिर कार्यभार उन्होंने संभाल लिया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया और जब वो ऐलान कर रहे थे तो अचानक एक बार योगी याद आ गए। जी हाँ, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भजन लाल ने बड़ी बात कही और कहा कि अपराधी राज्य छोड़कर चले जाएं या तो अपराध छोड़ दें। इसके साथ ही साथ कहा कि पेपर लीक मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के उस अंतिम व्यक्ति के पायदान के लिए, उस अंतिम व्यक्ति का सहारा बनने के लिए, उस अंतिम व्यक्ति की अभिभूति के लिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उन विषयों को भी हम लेना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का काम किया है पूरे देश के अंदर, हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। अब उसी कड़ी में एक और हंगामा कर दिया गया है और भजन लाल के इस रूप को देखकर सभी दंग हैं। जी हां, खबरों की माने तो नए सीएम भजन लाल भरतपुर जा रहे थे। जयपुर से भरतपुर जाते समय सीएम भजन लाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ते में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। इसी दौरान रास्ते में मनकापुर के पास पीपल की गांव के सामने रुककर चाय अपने हाथों से उन्होंने बनाई और दुकानदार मुंशी लाल गुजर से बात भी की और उनकी आर्थिक स्थिति का हालचाल पूछा और सब कुछ जानने के बाद उनकी मदद भी की। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भजन लाल सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि इतने मंत्री बनेंगे और इन इन चेहरों को जगह मिल सकती है। ऐसे में राजस्थान के सीएम भजन लाल दिल्ली भी आए और यहाँ पर कई बैठकें की। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी आलाकमान सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, चंद्रशेखर और अरुण सिंह को पार्टी ने मंत्रियों की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। ये सभी चारों नेता मोदी शाह से सीधे संपर्क साधे हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी शाह जो कह रहे हैं वही ये चारों नेता कर रहे हैं और राजस्थान को लेकर ये जो नेता फीडबैक देंगे उसी के हिसाब से मोदी शाह अपना जवाब देंगे और उन्हीं के इशारे से मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। इससे काफी हलचल है और किसी को समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन मंत्री बन रहा है और कौन नहीं, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसे में भजन लाल मस्त हैं और जिनको मंत्री बनना है वो परेशान हैं। लेकिन हम यहाँ आपको जो वायरल हो रही है खबर, हमने वो बताई और जो संभावित चेहरे इस वक्त चर्चा में हैं मंत्रिमंडल में आने के, चलिए अब उनका नाम भी आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं। भजन लाल मंत्रिमंडल के संभावितों की लिस्ट: बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाल मुकुंदाचार्य, महंत प्रतापपुरी, विश्वराज मेवाड़, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जितेंद्र गोठवाल, गोपाल शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, जगत सिंह, हंसराज पटेल, पब्बा राम बिस्नोई, हीरालाल नागर, भैरा राम चौधरी, लाला राम बैरवा, संजय शर्मा, लादूलाल पिपलिया, जयदीप बिहाड़ी, शत्रुघ्न गौतम, श्री चंद्र कृपलानी और तारा चंद्र जैन। इतने नामों की चर्चा जोरों पर है कि ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। अब देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसकी अंधकार में जाती है और मोदी शाह किसके नाम पर मुहर लगाते हैं।